सुबन के नोट्स की बात करते हैं, जनरल सर्जरी में इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार। सबसे पहले तो क्लासिफिकेशन देखेंगे, तो हमारे पास चार तरह के बर्न होते हैं। एक तो फर्स्ट डिग्री बर्न में हमारे पास रेडनेस एंड पेनफुलनेस देखने को मिलता है, रेड होता है एंड पेनफुल होता है यार ये, ठीक है यहाँ पे। लेकिन ब्लिस्टर्स नहीं देखने को मिलते हैं यहाँ पे। हीलिंग जो होती है ये 5 से 7 दिन में हो जाता है ये। स्कारिंग नहीं होती इसमें। ये फर्स्ट डिग्री हो गया। अगर हम बात करें सेकेंड डिग्री बर्न की, तो सेकेंड डिग्री बर्न किसको बोलेंगे भाई, है ना। ये भी रेड एंड पेनफुल होता है सेकेंड डिग्री भी, बट इसके अंदर हमारे पास क्या देखने को मिलता है, ब्लिस्टर्स देखने को मिलते हैं यार। ओके सो ब्लिस्टर्स आर प्रेजेंट, है ना। यहाँ पे जनरली लेट में हील होगा, तो हील इन 14 to 21 days। स्कारिंग यहाँ पे होती है सेकेंड डिग्री बर्न में, स्कारिंग भी प्रेजेंट होती है। एंड जो सेकेंड डिग्री बर्न है, दो तरह का होता है, डीप एंड सुपरफिशियल। तो जो सुपरफिशियल सेकेंड डिग्री बर्न होगा, वहाँ पिगमेंटेशन देखने को मिलता है यार। एंड जो डीप सेकेंड डिग्री बर्न है, वहाँ पिगमेंटेशन के साथ साथ स्कारिंग भी देखने को मिलती है। ये सेकेंड डिग्री बर्न हो गया। थर्ड डिग्री बर्न की बात करें, तो ये कहाँ पे देखने को मिलता है यार, जो अफेक्टेड एरिया होगा थर्ड डिग्री बर्न में, वहाँ पे चारिंग देखने को मिलती है, वो पेनलेस होता है ना, वो इनसेंसिटिव होता है। यहाँ पे हमारे पास एस चार, सपोज करो ये स्किन है, सपोज करो ये स्किन है ये हमारे पास, तो यहाँ पे हमारे पास थ्रोम्बोस्ट वेसल्स देखने को मिलते हैं यार। एस चार्ज भी देखने को मिल सकता है थर्ड डिग्री बर्न में। तो थ्रम्बोस्ट वेसल्स, अगर हम बात करें फोर्थ डिग्री बर्न की, सो इट इन्वॉल्व द अंडरलाइंग टिश्यू। ओके सो अगर हम वैलेस रूल की बात करें, हम जो वैलेस का रूल ऑफ 9 है, जो कि बर्न के लिए दिया गया है, सो वैलेस रूल ऑफ 9 की बात करें, तो ये देखो यहाँ पे सपोज करो एडल्ट है, सो नेक हो गया, सो हेड को कितना 9, चेस्ट एंड पीछे थोरैक्स, पीछे जो है ना बैक, उसको 9, एब्डोमेन एंड लोअर बैक को 9 9, जेनाइटल्स को 1, ठीक है, एंड आगे पीछे 9 9, लोअर लिम, एंटर लोअर लिम एंड पोस्ट, मतलब फ्रंट ऑफ द लोअर लिम और बैक ऑफ द लोअर लिम, ठीक है, हैंड अपर लिम 9, राइट अपर लिम 9, लेफ्ट अपर लिम 9, ये हो गया एडल्ट में, ठीक है। सो 11 × 9 दैट इज 99%, एंड 1 जेनाइटल्स जो है, पेरिनियम जो है, ये 1%, 1 × 1 टोटल 100%, ये एडल्ट्स के अंदर है, ठीक है। अगर चिल्ड्रंस की बात करें, तो नेक छोटा होगा, हेड छोटा होगा, तो यहाँ पे एज़ कम्पेयर टू बॉडी ज़्यादा होगा, सो ये यहाँ पे ज़्यादा परसेंटेज मिला है। ये 9 + 9 अपर बैक, अपर चेस्ट एंड पीछे, बैक ऑफ द चेस्ट, ये राइट एंड ये लेफ्ट अपर लिम 9 9, एब्डोमिन एंड लोअर बैक ये 1, एंड लोअर लिम में राइट लोअर लिम 13.5, लेफ्ट लोअर लिम 13.5, सो 16 × 9 इज 54,
1 into 18 इज 18, 2 into 13.5 इज 27 एंड 1 into 1 इज 1%, टोटल 100%। ठीक है, तो ये चिल्ड्रेंस के अंदर है। नाउ तो ये हमने वेलेस रूल ऑफ 9 देखा। नाउ हमारे पास पैथोजेनेसिस कैसे होता है यार, बर्न का। देखो जब कोई भी आदमी एक्सट्रीम हीट के एक्सपोजर में आता है तो क्या होता है, कोएगुलेशन नेक्रोसिस देखने को मिलता है। कोएगुलेशन नेक्रोसिस ऑफ व्हाट, ऑफ स्किन एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू। ओके, कोएगुलेशन नेक्रोसिस ऑफ स्किन एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू, जिससे क्या होता है कैपिलरी परमेबिलिटी बढ़ जाती है यार, इंक्रीज कैपिलरी परमियाबिलिटी। इसी वजह से हमारे पास देखने को मिलता है लॉस ऑफ फ्लूइड्स देखने को मिलता है, सीवियर हाइपोवोलीमिया हो जाएगा। जब सीवियर हाइपोवोलीमिया हो जाएगा तो जो कार्डियक आउटपुट होगा वो कम हो जाएगा यार। एंड कार्डियक आउटपुट कम होने की वजह से दो चीज़ें होती है, जनरल ब्लड फ्लो भी कम हो जाता है, एब्जर्बिनल ब्लड फ्लो कम हो जाएगा, तो जो जी एफ आर है वो कम हो जाएगा यार, है ना। जी एफ आर कम होने की वजह से यूरिन आउटपुट भी कम हो जाएगा। और क्या होता है हमारे पास, मायोकार्डियम की फंक्शनिंग कम हो जाती है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, पल्मोनरी इडिमा। ओके, तो ये हो गया पैथोजेनेसिस यार, बर्न के अंदर मेन चीज़ें क्या होती है हमारे पास। नाउ मैनेजमेंट कैसे करेंगे बर्न का, मैनेजमेंट के अंदर हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट एड कर सकते हैं यार। फर्स्ट एड में हमारे पास एरिया को ठंडा करेंगे कैसे, विद टैप वाटर। यानी जो टैप वाटर होना चाहिए वो कंटिन्यूस इरिगेशन के फॉर्म में होना चाहिए यार। क्लॉथ्स को रिमूव करना है बिकॉज बॉडी से चिपक जाने पे दिक्कत होता है। कीमोप्रोफाइलेक्सिस करना होगा, कीमोप्रोफाइलेक्सिस विथ टिटनस टॉक्साइड। पेन किलर दे सकते हैं यार, एनाल्जेसिक्स। फर्स्ट एड ये हो गया। अगर हम डेफिनेटिव ट्रीटमेंट की बात करें तो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट में हम क्या कर सकते हैं, बर्न के केस में पहले तो मेंटेन करेंगे क्या एबीसी जो अब होता था पहले, अब सर्कुलेशन एयरवे एंड ब्रीदिंग हो गया है ना। एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन करेंगे, एसेस करेंगे क्या को एसेस करना है भाई, परसेंटेज ऑफ बर्न, बिकॉज उसी के बेसिस में हम यहाँ फ्लूइड दे सकते हैं। जो डिग्री ऑफ बर्न है वो है ना, परसेंटेज ऑफ बर्न देखेंगे फ्रॉम द वेलेस रूल ऑफ 9 से, डिग्री ऑफ बर्न देखेंगे, टाइप ऑफ बर्न देखेंगे। ओके, इसके बाद फ्लूइड रिससिटेशन करना है। जिसमें हमारे पास दो फार्मूलाज है यार, एक हमारे पास पार्कलैंड फार्मूला है, एक मुइर्स बार्कले रिजीम है। सो जो हमारे पास पार्कलैंड फार्मूला है इसको मोस्ट कॉमनली हम इस्तेमाल करते हैं, ये पार्कलैंड फार्मूला। ये पार्कलैंड फार्मूला है क्या, यहाँ पे 4 ml फ्लूइड देते हैं, परसेंटेज ऑफ परसेंटेज ऑफ बर्न पर बॉडी वेट, जो कि कितना क्या में होना चाहिए केजी के अंदर इन 24 आवर्स। जनरली यहाँ पे हम क्रिस्टलॉइड्स का इस्तेमाल करते हैं, क्रिस्टलॉइड्स में जनरली रिंगल लैक्टेट को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं यार। मोस्ट कॉमनली हम यहाँ पे रिंगल लैक्टेट इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको हर्ट्समैन फ्लूइड भी बोलते हैं, जो हम एसेस करके दे रहे हैं उसको पार्कलैंड फार्मूला से। दूसरा जो है वो है हमारे पास मुइर बकले फार्मूला या फिर मुइर बकले रिजीम। एंड ये हमारे पास
आफ्टर 24 आवर्स को चलाएंगे यार, जहाँ पे हम परसेंटेज जो बर्न होता है उसको बॉडी वेट जो कि केजी के अंदर होता है उससे मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन टू, तो ये होता है 1 राशन। एंड जितना राशन उसको यहाँ पे देखने को मिलते हैं उस हिसाब से हम इसको फ्लूड देते हैं। जो यहाँ पे कोलोइड यूज़ करते हैं उसमें हमारे पास डेक्सट्रान होता है यार, डेक्सट्रान हो सकता है, जेलेटिन, ह्यूमन एल्ब्यूमिन। देखो 3 राशन हुआ, फर्स्ट फर्स्ट 12 आवर्स में 3 राशन देना है, 2 राशन इन दी सेकेंड 12 आवर्स एंड 1 राशन इन थर्ड 12 आवर्स। सो लोकल मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, तो हमने डेफिनेटिव ट्रीटमेंट देखा, फर्स्ट एड देखा। सो जिस जगह जला हुआ है तो लोकल मैनेजमेंट कैसे करेंगे, सो जहाँ पे जला हुआ है उस एरिया पे क्या करना होगा, अगर सपोज करो ओपन वाउंड है तो क्या करेंगे, एनक्लोज है तो क्या करेंगे, ओपन होगा तो एप्लीकेशन करेंगे क्या, एप्लीकेशन ऑफ सिल्फर और सिल्वर सल्फर डाइऑक्साइड, एप्लीकेशन ऑफ सिल्वर और सल्फर गाइस इनक्लोज हुआ तो वहाँ पे क्या करेंगे, ड्रेसिंग कर सकते हैं बाई पाराफिन वैक्स और पाराफिन गॉज, हाइड्रोकोलाइट्स, ड्रेसिंग बाई पाराफिन गॉज, हाइड्रो कोलॉइड्स, वेसलिन गॉज या फिर सिलिकॉन सीट से वहां पे ड्रेसिंग कर सकते हैं क्लोज्ड वाउंड, क्लोज बर्न हुआ तो। नाउ कॉम्प्लिकेशन ऑफ बर्न की बात करें तो हमारे पास दो तरह कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, एक अर्ली कॉम्प्लिकेशन और एक लेट कॉम्प्लिकेशन। सो अर्ली कॉम्प्लिकेशन में क्या हो सकता है भाई, शॉक आ सकता है उसको, है ना, रिनल फेलियर हो सकता है, एंड शॉक कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप, जनरली हाइपोवोलेमिक शॉक हो सकता है ना, वाउंड इन्फेक्शन देखने को मिल सकता है जहाँ पे जला हुआ है वहाँ पे, और क्या हो सकता है यार, सेप्टिसीमिया ड्यू टू इन्फेक्शन ब्लड में आ जाएगा, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम देखने को मिल सकता है, निमोनिया देखने को मिल सकता है ना, यहाँ पे मल्टी ऑर्गन फेलियर हो सकता है यार, ये अर्ली कॉम्प्लिकेशन है। लेट कॉम्प्लिकेशन में हमारे पास जहाँ जला है वहाँ पे स्कारिंग हो सकती है ना, वहाँ पे कॉन्ट्रैक्चर फॉर्मेशन हो सकता है। देखो मेन चीज़ क्या होता है, कॉन्ट्रैक्चर मतलब जो चेंजेस हुए हैं, जो निशान पड़ रहे हैं उसको कैसे प्रिवेंट करेंगे या फिर मैनेज कैसे करेंगे, वो इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, वो पूछा जाता है। सो कॉन्ट्रैक्शन प्रिवेंशन एंड कॉम्प्लिकेशन मैनेजमेंट की बात करें, सो पहले तो हमारे पास क्या कर सकते हैं, देखो अर्ली एंड एग्रेसिव मोबिलाइजेशन थेरेपी करेंगे, एक्यूट एंड पैसिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज करा सकते हैं यार, अर्ली एंड एग्रेसिव मोबिलाइजेशन थेरेपी, एंड इसके अंदर एक्टिव एंड पैसिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज करा सकते हैं, स्प्लिंट अक्रॉस द जॉइंट, एक्सटर्नल प्रेशर गारमेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, सिलिकॉन जेल यार एंड जेल शीट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं टू प्रिवेंट कॉन्ट्रैक्चर, इंट्रालिजिनल जहाँ पे घाव हुआ है वहाँ पे ट्राइएमेसिन और का इंजेक्शन दे सकते हैं, इंट्रा लिजनल ट्राइएमी सिनोलोन इंजेक्शन दे सकते हैं, लेजर सर्फेसिंग कर सकते हैं हम,
अगर हम बात करें सर्जरी की, तो सर्जिकल मैनेजमेंट में डायरेक्ट क्लोजर कर सकते हैं जहाँ पे घाव हुआ है इसका, सर्जिकल, और सीरियल एक्सीजन कर सकते हैं जो स्कार है, जो कॉन्ट्रेक्चर है उसको एक्सरसाइज कर निकाल सकते हैं, स्किन ग्राफ्ट कर सकते हैं यार, और क्या लोकल फ्लैप एंड टिश्यू एडजस्टमेंट कर सकते हैं, जनरली यहाँ पे जेट प्लास्टी कर सकते हैं हम, टिश्यू एक्सपांसन वो कर सकते हैं, डिस्टेंट फ्लैप एंड फ्री टिश्यू ट्रांसफर कर सकते हैं हम, डिस्टेंट फ्लैप एंड फ्री टिश्यू ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया, देखो ये गलत क्वेश्चन आता है कॉन्ट्रेक्चर प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट के ऊपर, तो ये हम कर सकते हैं ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट दी कॉम्प्लिकेशन यार, कॉम्प्लिकेशन पे क्वेश्चन आता है मैनेजमेंट क्लासिफिकेशन पैथोजेनेसिस ऑफ बर्न, क्लासिफिकेशन ऑफ बर्न सर्जरी के अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जनरल सर्जरी के अंदर।